एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और ये किस तरह मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। सी, अगर आप गोल्ड का मूवमेंट देखेंगे तो आप देखते हैं अराउंड अगस्त 2011 वी हैव सीन कि एकदम शार्प राइज गया और एक हाई मारा था अराउंड 1925 का। उसके बाद कंटिन्यूस डाउनफॉल देखा हमने, ठीक है, रेंज बाउंड देखा, अगेन एक राइज देखा है। तो ये टू पॉइंट पर एक अगेन इसने हाई मारा है, वो भी है अराउंड 2077 का आफ्टर क्रॉसिंग ये वाला हाई। ओके, अगर आप पैटर्न देखें कि ये भी सेम पैटर्न है, ये भी सेम पैटर्न हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज देखिए ये भी यू पैटर्न हो रहा है और ये एक अगर ये नीचे से एक हाई मारता है अराउंड 1992 दोबारा आता है तो वी कैन सी कि कब पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और फिर हम इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1952 देख सकते हैं। अगर उसके भी ऊपर सस्टेन किया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको 1965 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर उस लेवल को भी सस्टेन करके जाता है तो प्रोबेबिलिटी है 2015 एंड फ्रॉम देयर ये एक अपसाइड फिर 2055 एंड देन मूव फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर इसको सपोर्ट नहीं करता है तो हम इसको टुवर्ड्स डाउन 1918 की तरफ आते हुए 1918 को टच करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये कंटिन्यूस डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 1918 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1871 भी देख सकते हैं। अगर उसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1831 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं और देन हम उसको डाउन साइड एक डाउन ट्रेंड की तरफ गोल्ड को जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर देखिए इस रेंज में बहुत टाइम से बना हुआ है। 2020 के आफ्टर दिस पर्टिकुलर रेंज ब्रेक करने के बाद एक हाई मारा है, उसके बाद इसी रेंज में है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये करीब 25.88 की तरफ जा सकता है अगर 25 का लेवल सस्टेन करता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो करंट 124.105 चल रहा है। मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 24.343 एंड उसके बाद 24.709 की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 24.953 एंड फ्रॉम देयर हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 25.353 भी देख सकते हैं। अगर इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल 25.9 और देन फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम देख सकते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा सकता है 23.734। अगर उसको भी सस्टेन नहीं कर पाए तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 23.409। ओके, अगर इसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 22.700 तक की तरफ देख सकते हैं। अब और मैंने आपको पहले भी कहा है 22 अगर टच करता है तो प्रोबेबिलिटी इसके डाउन साइड जाने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड का चार्ट देखें तो क्रूड का चार्ट ओवरऑल आपको दिखाएगा, बट ओवर अगर हम देखें 2020 के बाद वी कैन सी ये एक नैरो पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है। सपोज अगर ये मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 99.59 देख सकते हैं। अगर उसके भी नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 97.23, ठीक है। अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाए तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 95.88 और उसके भी नीचे आएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 93.86 देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो अगर मान लीजिए हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 92.17 देख सकते हैं, ठीक है। वंस ये रेंज को तोड़ेगा नीचे की तरफ तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 89.14 एंड फ्रॉम देयर हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 83 भी जाते हुए देख सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर इसको सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी है हम इसको 105.26 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसको भी सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 108.56 देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 112.73। ओके, एंड वंस इफ इट गोज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, कीप दिस इन माइंड, देन वी कैन सी इट कैन मूव फर्दर अपसाइड एंड कैन ब्रेक इट्स हाई ऑल्सो। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें,
गैस हैज़ ऑलरेडी मेड हाई, इसने हाई पहले ही बना चुका है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज़ में आया है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि 6.9 और 6.5 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अगर ये मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया 6.5 को, तो हम इसको 6.332 देख सकते हैं, और इसके भी नीचे जाएगा तो प्रॉबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 6.061 देख सकते हैं। मान लीजिए इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 5.904, और उसके नीचे जाएगा तो प्रॉबिलिटी हम इसको 5.661 भी देख सकते हैं। अगर इस रेंज में आएगा तो हम इसको टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं, टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 5.209 एंड देन फर्दर डाउन साइड। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो हम इसको टुवर्ड्स फर्दर अपसाइड देख सकते हैं 6. जो कि मैंने आपको बताया 6.9 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको करता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको 7.275 भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 6.9 और 6.5 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये 6.5 को सस्टेन करेगा तो 6.9 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, अगर इस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 7.261 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अगर उस लेवल को भी सस्टेन कर गया तो मान लीजिए हम 7.678 एंड देन फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 8.25 भी देख सकते हैं। एनी डाउट आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।